हेलो व्यूअर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु राकेश कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन पीठ में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपका सवाल और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स लाभान्वित हों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के लिए स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ्स की बात की जाती है तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो स्पीड होती है, कि एक्यूरेसी भी आपका मेंटेन रहे और स्पीड भी रहे। तो इसके लिए ध्यान में रखना होता है कि स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन पावर हम लोगों को बढ़ाना होगा, कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करना होगा। और कैलकुलेशन पावर बढ़ाने के लिए करना क्या होगा कि हम लोगों को कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, जैसे मल्टीपल स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो छोटा छोटा पार्ट है जिसमें हम लोगों को ध्यान देना है। तो पहला इसमें पार्ट मैं आप लोगों को लेकर आज वीडियो में प्रेजेंट हूँ, जिसमें स्क्वायर निकालने से रिलेटेड है। मतलब आज का वीडियो आप लोगों को स्क्वायर निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे, स्क्वायर कैसे निकाला जाए, कोई भी नंबर का स्क्वायर तेजी से कैसे निकाला जाए, इस पर आज का वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जब स्क्वायर की बात करते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, तो इसमें एक टाइप का आएगा, पहला टाइप इसमें आएगा जिसका यूनिट 5 हो। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। इस 5 को लेकर पहले चलेंगे, यूनिट डिजिट 5 है तो, और बाकी जो नंबर बचा उससे एक बढ़कर मल्टीपल करना है। मतलब ये 3 बचा और एक बढ़ेंगे तो ये 4 होगा, और 3 से 4 से मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर रहा 35 का। अगर इसका 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और 4 और एक बढ़कर मल्टीपल करेंगे तो 4 5 जा 20, यानी ये भी स्क्वायर आपका 45 का निकल गया, 2 से 3 सेकंड में आपका निकल जाएगा। अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 इंटू 7 करेंगे तो 6 इंटू 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी ये 65 का स्क्वायर रहा। अगर कोई कहेगा कि सर इसमें तो 2 डिजिट है तो ये निकल जा रहा है, तो क्या 3 डिजिट में ये रूल काम करेगा, यही नियम लगेगा? तो हाँ, 3 अंक का भी रहेगा तो यही नियम काम करेगा, यही रूल आपका लगेगा। इसमें 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 इंटू 11, जब 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये आपका 105 का स्क्वायर रहा। इसमें आगे अगर जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 नहीं रहेगा उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए ट्रिक्स बहुत सारे हैं स्क्वायर निकालने के अलग अलग, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रिक्स है जिसमें एक ऐसा ट्रिक्स है जो कोई भी नंबर पे फॉलो करेगा, चाहे वो 2 अंक का रहे चाहे 3 अंक का रहे, बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, सब पे काम करेगा। तो उस पर हम लोग काम करते हैं, उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो पहला चीज है कि सबसे आसान काम होता है कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना, जैसे 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का। 70 का स्क्वायर निकालना आसान है हम लोगों को, लेकिन वही 72, 73, 75, 77, 78 आ जाएगा तो निकालने में थोड़ा सा टफ हो जाता है, मल्टीपल करना पड़ता है, मतलब टाइम लगेगा, टाइम टेकन हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों को अगर ये रूल जान जाएंगे तो बहुत तेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना होगा। तो इसमें देखते हैं रूल क्या है। हम लोगों को राउंड 10 या राउंड 100 ले जाना है। मतलब राउंड 10 का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे 72 का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को, तो 72 का स्क्वायर निकालना है तो ये 70 के राउंड के क्लोज है, जहां क्लोज रहेगा उसी के पास ले जाएंगे, 70 80, जिसके पास क्लोज रहेगा, 100 के पास रहेगा तो 100 के राउंड में ले जाएंगे। तो राउंड फिगर में इसको ले जाना है, 10 के राउंड या 100 के राउंड। तो ये 70 के राउंड में है, 70 के क्लोज है, 80 के भी पास ले जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं और 70 के पास भी ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं, जिधर से कम डिफरेंस रहेगा उसको लेकर चलेंगे। 70 से अगर देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, और 80 से देखेंगे तो इसमें 8 का डिफरेंस है,
तो कम तो दो है, इसलिए 70 के राउंड में लेकर चलेंगे। तो इसमें 70 यहां पर एक बेस नंबर लेना है हम लोगों को, जो राउंड फिगर की बात कर रहे हैं। बेस नंबर क्या लेंगे? 70 लेंगे। जब 70 मेरा बेस नंबर हुआ तो ये 70 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है, और 70 से कितना कम है? तो 2 कम है। बेस नंबर मेरा 70 है। अब अगला जो स्टेप होगा हम लोगों को क्या करना है, तो इसमें देखिए जो ये 2 आया, जो डिफरेंस आ रहा है प्लस 2 या माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 लिख लिया मैंने। अब बाकी ये एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या करना है हम लोगों को, कि अगला स्टेप ये है कि ये 72 है, इसमें प्लस 2 करेंगे तो 74 हो जाएगा, और माइनस 2 करेंगे तो 70 हो जाएगा। और एक स्टेप ध्यान में रखना है हम लोगों को, डिवाइड करने वाला। क्या डिवाइड करने वाला? अगर 10 से डिवाइड करते हैं, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर लेते हैं इसमें। अगर ये 100 से डिवीजन होता तो 2 नंबर मुझे लेना पड़ता है, यहां से इस पार्ट से 2 नंबर उठाना पड़ता है। अब ये एक नंबर उठा लेंगे, ये 4 है, और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, 2 और ये 49 × 2 = 51, यानी 5184 हो जाएगा। यानी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोगों का 84 का स्क्वायर निकालना हो, सपोज दैट ये किसके क्लोज है? 80 के क्लोज है। 80 के क्लोज है तो ये प्लस 4 होगा और माइनस 4 होगा, ये प्लस 4 और माइनस 4 है। अब यहां पर देखें बेस नंबर, यहां पर मैंने 80 लिया है, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, 16 होगा, 16 मैंने लिख दिया। अब इसमें हमने आपको बताया कि इसमें प्लस 4 कर लेंगे तो ये 88 हो जाएगा, 84, अब प्लस 4 करेंगे तो, अब माइनस 4 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। डिवाइड 10 से करते हैं इसमें, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और इसको मल्टीपल करेंगे 64 × 4 = 70, 704 आया। और जब हम लोगों को नंबर लिखने की बात आएगी तो एक तो 6 हो गया, और दूसरा ये जो नंबर बचा, ये तो लिख दिया मैंने, इस नंबर को लिख दिया गया, और ये जो नंबर बचा वो कैरी होगा। मतलब एक अंक के बाद अगर ये जो बच जाएगा जिसको लिखना नहीं है वो कैरी के रूप में जाएगा। तो ये प्लस 1 कर देंगे इसमें तो ये 705 हो गया, यानी 7056 स्क्वायर किसका होगा? तो 84 का होगा। और भी एक आध एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 93 का स्क्वायर ले लेते हैं। 93 की स्क्वायर की अगर बात करेंगे हम लोग, 93 का स्क्वायर निकालना होगा तो ये बेस नंबर इसमें क्या लिया जाए? 90 लेते हैं, क्योंकि 90 के क्लोज है तो इसमें ये प्लस 3 और माइनस 3, 90 से ये 3 कम है और 3 ज़्यादा है, तो इसमें जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और इसमें जब ऐड करेंगे तो 96 और माइनस करेंगे तो 90 होगा। फिर यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो कैरी लेना नहीं है हम लोगों को, तो 9 लिखेंगे, एक डिजिट ले लेंगे यहाँ पे, और इसको मल्टीपल करेंगे 9 × 54 = 5 और 81 × 5 = 86, यानी आपका ये स्क्वायर हो गया 8649 किसका? तो 93 का हो गया। अब इसमें जैसे और भी, जैसे ये तो 2 डिजिट का है, जब ये नंबर 3 डिजिट में जाता है, जैसे 102 का स्क्वायर निकालना हो तो 102 का स्क्वायर निकालना हो तो भी ये फॉलो करेगा। जैसे ये यहाँ पर किसके राउंड लेंगे? 100 के राउंड में लेंगे, तो 100 से बेस नंबर यहाँ पे 100 रहेगा हम लोगों का, 100 से 2 ज़्यादा है और ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। और इसमें हम लोग जब 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 होगा, घटाएंगे तो 100 होगा। अब इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। अब 100 से डिवाइड करें तो नीचे में 2 जीरो है तो मुझे 2 अंक लेना है, 2 अंक लेना है, तो एक अंक तो 4 है और एक अंक शॉर्ट हो रहा है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे हम लोग। जब शॉर्ट पड़ेगा अंक तो जीरो बढ़ा लेना होगा, और इसमें 104 से और 1 से मल्टीपल करेंगे तो 104 हो जाएगा। ये हम लोगों का 10404 किसका स्क्वायर निकला? तो 102 का निकला। अगर यही चीज हम लोगों को 112 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 112 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? जैसे 112 का स्क्वायर निकालना हो तो 112 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर हम लोग 100 के राउंड कर लेते हैं। 100 के राउंड करेंगे तो ये प्लस 12 और माइनस 12,
12 से ज़्यादा 12 है और कम भी 12 है, बेस नंबर मेरा 100 लिया है। अब इसमें 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, ऐड करेंगे तो 124, घटाएंगे तो 100, और इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 124 हो गया। और इसमें आपको मैंने बताया कि जितना नीचे में जीरो रहेगा उतना ही डिजिट लेना है, यानी 100 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो दो अंक लेना है, तो दो अंक लेंगे लेफ्ट राइट साइड से, तो दो अंक लेंगे तो ये 44 हो गया और ये कैरी होगा, तो ये कैरी हो गया तो इसके साथ ऐड होगा, तो मल्टीपल करेंगे तो 124 और 1 ऐड करेंगे तो 125। ये हम लोगों का 12544 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 112 का स्क्वायर हो जाएगा। और आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे और भी बड़ा नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जैसे 208 की बात करते हैं, 208 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो, तो 208 का स्क्वायर निकालना हो तो इसमें देखेंगे कि 200 के राउंड लेंगे, तो ये प्लस 8 है माइनस 8 है, बेस नंबर यहाँ पर 200 मैंने लिया, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसमें 216 होगा और गुणे घटाएंगे तो 200। इसमें 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे इसमें आपको 10, 100, 1000 इसी से डिवाइड करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। बेस नंबर 200 मानने का मतलब ये नहीं है कि 200 से डिवाइड करेंगे, बेस नंबर 100 मान रहा था मैंने तो 100 से डिवाइड किया, लेकिन 200 मानेंगे तो 200 से डिवाइड नहीं करेंगे, नीचे से अब भी डिवाइड करना है, 10, 20, 30, ये प्लेस डिसाइड कर रहा है यहाँ से डिजिट लेने के लिए। तो दो अंक को काटेंगे यहाँ, दो जीरो को काटेंगे, तो ये आपका दो अंक लेना है तो 64 है, तो 64 मैंने ले लिया, और इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 400 ये 32 होगा, और यही हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा किसका, तो 208 का स्क्वायर होगा। यानी इस तरह का बहुत सारे नंबर पर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर है, और आप 100 के राउंड ले सकते हैं, 100 के पास जो डिजिट रहेगा, मतलब कि अगर 252 हो गया तो वहाँ पर आप 250 बेस नंबर मान लीजिए, 250 को बनाइए, 250 से कितना ज़्यादा है कितना कम है उसके अकॉर्डिंग आपको गुणा करना होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, 254 का स्क्वायर निकालना हो तो ये तो बेस नंबर 200 माने तो 54 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो जो ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि जहाँ से स्क्वायर कम निकालना पड़े, यानी बेस नंबर यहाँ 200 मानते हैं, सॉरी 250 मानते हैं, 250 मानते हैं, 250 मानेंगे तो ये 4 ज़्यादा है और 4 कम है, तब 4 का स्क्वायर तो निकालना आसान है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 16 हो गया। अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो 258 और माइनस करेंगे तो 250 और डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड करने के लिए आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक लेना है, अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो दो अंक लेना है, तो अगर 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं अगर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सॉरी एक जीरो कटेगा, ये काटेंगे हम लोग तो 5 और ये हो जाएगा 2, और 2 से काटेंगे 129, अब इसमें 16 लिखेंगे और मल्टीपल करेंगे, इसमें 5 से मल्टीपल करेंगे तो 9 5 45, 4 और 12 5 60 और 4 64, ये इतना आएगा मल्टीपल करने के बाद में। यही सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सारा प्रोसेस एक तरह से चलेगा, आपको कोई भी नंबर के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं लगाना है, यानी एक प्रोसेस के सारा स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसके लिए आपको स्पेशल, आपको मैंने बता दिया, कुछ और नंबर है जिसमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स लगते हैं जिससे आपको आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। अगला मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं जो और तेजी से कैलकुलेट करा देते हैं क्वेश्चन को बिना इस रूल को लगाए हुए, जो ट्रिक्स है इसको हटा कर भी आप मतलब कि दूसरे तरीके से भी कुछ क्वेश्चन है स्पेशल रूल जिस पे काम करता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 111 का स्क्वायर निकालना हो तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें कितना 1 है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 एसेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देते हैं। जैसे 3 के बाद अब डिसेंडिंग चलेंगे तो क्या होगा, 2 1, अगर ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 और 3 2 1, एक बार असेंडिंग और एक बार डिसेंडिंग। अगर ये 5 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, इस प्रकार से हम लोगों को स्क्वायर निकालेगा जिसमें केवल 1 रहेगा। दूसरा चीज आती है इसमें बात
कि 9 वाला से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहा है, जैसे 99 का स्क्वायर निकालना हो, 999 का स्क्वायर निकालना हो, 4 × 9 का स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे निकलेगा? तो इसमें ध्यान रखना है कि पहला डिजिट इसका 1 होगा। कुछ पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या कि कोई भी 9 जब 99 रहेगा, 2 × 3 तो इसमें क्या करेंगे कि जब पूरा डिजिट जो है 99 है, तो पहला जो डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वो 1 होगा। एक चीज़ तो ये याद रखना है। अब जितना 9 है उससे एक कम 0 की संख्या होगा, मतलब ये कि 9 की संख्या 2 है तो 0 की संख्या 1। अब इसमें भी देखते हैं, 9 है तो 1 कर लेते हैं, और 9 की संख्या कितना है, 3 है, तो 0 की संख्या कितना होगा, 2 होगा। इसमें 9 की संख्या 4 है तो 1 तो 1 लिखना ही लिखना है, और 4 9 है तो कितना 0 की संख्या होगा, तो 3 0 की संख्या होगा। और इसके बाद 8 लगा लेना है, यानी कुछ भी रहे इसमें 8 लगा लेना है 0 के बाद, और जितना 0 लिखे हैं उतना ही 9 लिख देंगे 8 के बाद, यानी 8 से पहले। अब जितना इसमें 2 0 है तो इसमें 2 9 लगेगा, इसमें 3 0 है तो इसमें 3 9 लगेगा। यही हम लोगों का 99 वाला हो गया। यानी कोई भी अगर 5 × 9 रहे, अगर 5 × 9 का स्क्वायर निकालना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीपल करने में, लेकिन ऐसे अगर हम लोगों को अगर ट्रिक्स ध्यान में है तो 1 1 लिखेंगे, और 5 × 9 है तो 0 की संख्या 4 होगा, और इसके बाद 8 लिख देना है, और फिर 4 बार 9 लिख देना है, जितना 0 उतना ही 9 की संख्या होगा। बस इसी प्रकार से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो इस चीज को ध्यान आप लोग रखेंगे कि कुछ पार्ट जैसे आपको स्क्वायर निकालना हो गया, फिर स्क्वायर रूट निकालना हो गया, क्यूब रूट निकालना हो गया, मल्टीपल हो गया, एडिशन, मतलब जो कैलकुलेशन पावर को बढ़ाना होगा तभी आप जो क्वेश्चन होगा वो टाइम के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग में भी 35 क्वेश्चन रहता है, कम ही टाइम आपको पास रहता है, 20 मिनट में करना रहता है, और एसएससी में भी मेंस में 100 क्वेश्चन रहता है और उसमें आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देंगे तो उसमें आपको स्पीड की जरूरत होगी, और मैथ में स्पीड नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, इसलिए अटेम्प्ट ज़्यादा लेने के लिए स्पीड बढ़ाना होगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको सीखना होगा। बाकी कॉन्सेप्ट पे काम करना है, कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड रहेगा और कैलकुलेशन पावर आपका अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 100% स्कोर भी किया जा सकता है मैथ्स में। सो अगला टॉपिक के लिए आप लोगों को, अगला टॉपिक में मैं कैलकुलेशन का जो शेष पार्ट बचा है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्यूब निकालना, और इसके बाद आपको मल्टीपल जो नंबर का तेजी से कैसे किया जाएगा, अगले वीडियो में मैं आपको एक एक वीडियो कर आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे डालता रहूंगा। एक बार मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपका जो भी वीडियो हम लोगों के चैनल से डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा आपको इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपना क्वेश्चन जो भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो या कोई अलग से भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो समस्या है आप डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस को, लकी 10 क्वेश्चंस को शामिल करने का। धन्यवाद।